नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर यूपी के एटा से है। सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज 6 बार सांसद का प्रतिनिधित्व कर चुके एटा के सांसद स्वर्गीय महादीपक सिंह शाक्य के पर्यटक निवास एटा जनपद के तहसील अलीगंज मुख्यालय के समीपवर्ती ग्राम अगौनापुर पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत सांसद की समाधि पर श्रद्धांजलि देकर स्वर्गीय शाक्य के द्वारा भाजपा को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए जीवन पर्यंत जो अविस्मरणीय योगदान दिया उन्होंने मीडिया के माध्यम से बातचीत कर याद किया। स्वर्गीय महादीपक सिंह का निधन भाजपा ही बल्कि शाक्य समाज के लिए भी अपूर्णीय क्षति है। वो जनसंघ के समय जब एटा से सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा में कहा था कि जनसंघ का दीपक प्रज्वलित होने लगा है, इसका साक्षात्कार प्रमाण है। सांसद महादीपक सिंह शाक्य श्री मौर्य ने शांति पाठ कार्यक्रम में उपस्थित उनके दोनों पुत्रों व नाती विशेष शाक्य से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्रीय विधायक सतपाल सिंह राठौर, पालिका अध्यक्ष अलीगंज ब्रजेश कुमार गुप्ता, दिनेश गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, जिला अध्यक्ष संदीप जैन से भी मुलाकात की। प्राइम न्यूज 24 के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट। और जब देश में भारतीय जनसंघ के नाम से दीपक चुनाव चिन्ह हुआ करता था और उस समय भी भारतीय जनसंघ का दीपक इस रूप में जलता रहा कि देश में जब गिने चुने सांसद होते थे तो यह पूरा देश जानता है। उस समय हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद में भी इस बात का उल्लेख किए कि विरोधियों ने जब तंज कसा कि दीपक अब बुझने व बुझ रहा है, उन्होंने कहा दीपक बुझ नहीं रहा है, महादीपक के रूप में हमारा दीपक प्रकाशित है। ऐसे बहुत ही वरिष्ठ लोकप्रिय सांसद 6-6 बार के रहे, वह इस लोक को छोड़ करके विदा हुए। आज मैं चूंकि शांति पाठ का कार्यक्रम था उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आया हूं। मैं अपनी ओर से भी, प्रदेशवासियों की ओर से भी, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से भी कि ऐसे वरिष्ठ और जब देश में भारतीय जनसंघ के नाम पे कम संख्या में सांसद चुन करके जाते थे तब भी एटा से उनका चुन करके जाना यह अपने आप में बहुत बड़ी बात रही है। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके जो अधूरे स्वप्न हैं उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा।